हेलो गाइस, तो आज का हमारा वीडियो है साचा के ऊपर। तो हम जो मिट्टी के ऊपर प्लास्टर और पेरिस से ढल के जो साचा बनाते हैं, उसे बाद में मिट्टी को निकालना बहुत ही आसान होता है। लेकिन जब हम प्लास्टर और पेरिस के मूर्ति से साचा बनाते हैं तो बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन आज मैं आसान ट्रिक बताने वाला हूँ कि प्लास्टर और पेरिस के मूर्ति से हम किस तरीके से प्लास्टर और पेरिस डाल के उसमें से साचा निकालें और आसान तरीके से कैसे निकल जाए, तो उसको मैं आज पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो पूरा फर्स्ट से आपको लास्ट तक देखना है, तब आपको पता चल जाएगा कि प्लास्टर और पेरिस के मूर्ति से आप आसानी से साचा निकाल सकते हैं, बेहतरीन बेहतरीन डिजाइन के साचा निकाल सकते हैं। देख सकते हैं अभी हमारा जो साचा बन के तैयार हो चुका है, एकदम आसान होता है मिट्टी के ऊपर प्लास्टर और पेरिस डाल के साचा बनाना। लेकिन दोस्तों जब बारी आता है प्लास्टर और पेरिस का, तब बहुत ही मुश्किल होता है। देख सकते हैं ये दोस्तों है हमारे पास प्लास्टर और पेरिस का मूर्ति जिसमें से हम साचा निकालने वाले हैं। तो हमको सबसे पहले साइड साइड से मिट्टी लगा लेना है ताकि जो गैप रहे वो आसानी से बाद में निकल जाए। देखिए साइड साइड से निकला हुआ रहता है तो उसमें फंस जाएगा, तो हमें साइड से थोड़ा मिट्टी ऐसे लगा लेना है। आपको जैसे मैंने लगाया उसी तरह से आपको साइड से लगा लेना है मिट्टी, तो आपको आसानी होगा निकालने में। तो चलिए अभी नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। उसके बाद आपको देना है जला हुआ मोबिल या कोई भी तेल का यूज़ कर सकते हैं, उसके ऊपर ब्रश से पूरी तरीके से लगा देना है, अच्छे तरीके से सभी जगह पर ब्रश से इस तरीके से आपको लगा देना है। देखिए मैं जला हुआ मोबिल का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही अच्छा होता है। कोई भी अगर आप सीमेंट का भी काम कर रहे हैं या कोई प्लास्टर पेरिस का, तो ये बहुत ही अच्छा होता है। उसके बाद आपको चारों तरफ से मिट्टी का घेरा लगा लेना है इस तरीके से। अभी मेन हम उसके ऊपर प्लास्टर पेरिस डालने वाले हैं, तो हम जल्दी जल्दी इसको कर लेंगे। देखिए इस तरीके से जल्दी जल्दी हम मिट्टी का पूरा लेयर चढ़ा देंगे उसके ऊपर। चारों तरफ से हमारा मिट्टी लगाने का काम भी लगभग हो चुका है। इस तरीके से आपको भी मिट्टी लगा लेना है। उसके बाद हम घोलने वाले हैं प्लास्टर पेरिस, तो आपको पहले गीला एकदम गीला घोल लेना है ताकि कहीं पर एयर ना रहे, तो आपको एकदम पूरा गीला घोल के उसके ऊपर ढालना पड़ेगा ताकि आपका जो एयर बबल है वो ना रहे। देखिए इस तरीके से पूरा गीला चारों तरफ से ऐसे भर देंगे। देखिए इस तरीके से आपको भर देना पड़ेगा। उसके बाद थोड़ा सूखा उसके ऊपर से दे देंगे, तब वो टाइट हो जाएगा। बहुत ही जल्दी सूख जाता है प्लास्टर और पेरिस, उतना टाइम नहीं लगता है, आधा घंटा में बहुत ही हार्ड हो जाएगा। उसके बाद एक दिन बाद आप निकाल सकते हैं, तो मैं एक दिन बाद ही निकालने वाला हूँ इस तरीके से। देखिए उसके बाद थोड़ा सा सूखने के बाद ऊपर का हिस्सा प्लेन कर देंगे तो और अच्छा हो जाएगा। देखिए अभी हमारा जो काम है पूरा हो चुका है और उसका फिनिशिंग भी हो चुका है। ये वाला मैं थोड़ा कम प्लास्टर ऑफ पेरिस डाला हूँ, और इधर देख सकते हैं ये वाला और एक साचा पत्ती वाला साचा बनाया हूँ। अभी हम लोग का काम हो चुका है, देख सकते हैं बहुत ही अच्छा फूल लगाया है। और ये अभी निकालने का बारी आ गया है, तो हम देखिए मिट्टी आसानी से हट जा रहा है इस तरीके से। आपको भी हटा लेना है, पहले मिट्टी हटा लेना है साइड से, उसके बाद आपको निकालना है उसको। देखिए इस तरीके से आपको मिट्टी हटा लेना है चारों तरफ से। देखिए इस तरीके से मिट्टी, हाँ ऊपर का हिस्सा तोड़ के ही निकालना पड़ेगा क्योंकि इससे छोटा छोटा डिज़ाइन है उसमें फंस जाता है, तो आपको थोड़ा थोड़ा तोड़ के निकालना पड़ेगा। ऊपर का हिस्सा टूट के निकल चुका है, डिज़ाइन हमारा जो बहुत ही अच्छा निकला है, एकदम बारीक डिज़ाइन निकला है। उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा सा तोड़ तोड़ के आपको निकालना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस अभी नरम हो चुका है क्योंकि उसके ऊपर पानी गिरा है हल्का, तो नरम हो चुका है इसलिए दोस्तों टूट जा रहा है आसानी से। देखिए ये वाला जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का मूर्ति था वो नरम हो चुका है, अभी हम निकाल सकते हैं आसानी से। तो
निकालने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए दोस्तों आपको निकाल के ही दिखाते हैं किस तरीके से निकला है, आपको पूरा दिखाते हैं। अभी देखिए जो हमारा जो निकल चुका है, देखिए इस तरीके से तोड़ के ही निकालना पड़ा हम लोग को। देखिए इस तरीके से निकल चुका है और उसमें से एक मूर्ति मैंने उठा भी लिया है। देखिए बहुत ही बेहतरीन बारीक डिज़ाइन, सब कुछ क्वालिटी सब कुछ आया है, देख सकते हैं एकदम सेम टू सेम। तो इस तरीके से आप दोस्तों आसानी से प्लास्टर और पेरिस के मूर्ति से उसका ढांचा बना सकते हैं, साँचा बना सकते हैं। देखिए गणेश जी का और लक्ष्मी जी का, देखिए जो जो मैं बनाया था वो दोनों से निकाला हूँ अभी मिट्टी डाल के, तो बहुत ही अच्छा हुआ है दोस्तों। अगर वीडियो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।